मैं तो परेशान हो गई थी फोन का, तो दोस्त को ही ये सब ना चिढ़ाना चिड़चिड़ा गाली देना खाना टोकना है ना, कितना अच्छा लगता है दोस्ती। और लेकर क्या मैं आई सुख ममता के साथ लिया था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल ममता सिंह ब्लॉग में। और ये देखिए मैं बना रही हूं आज नाश्ता में पनीर रोल। और यहां देखिए ईशान मैंने वॉशिंग मशीन ऑन किया है, तो ये कपड़े धोने आ गया है। वैसे वॉशिंग मशीन हो गया है तो मुझे आराम हो गया है, क्योंकि कभी कभी हस्बैंड जी भी धो लेते हैं, सोनी भी आजकल धो लेती है खुद से, तो मुझे टेंशन नहीं है ज़्यादा। और ड्राई भी हो जाता है तो सुखाने में भी आराम है। तो ये देखिए मैं काम भी कर रही हूँ और मशीन भी ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा, और इसमें मैं पनीर मसाले जो मैंने रेडी किया है उसे भर दूँगी और खाएंगे। तो आज लेट हो गया है, भूख बहुत ही तेज़ी से लग गई है, तो फटाफट से बनाऊँ। और अभी ईशान आज लेट से उठा, मैंने भी छोड़ दिया, बोले कि चलो स्कूल जाना ही नहीं है, तो चलो सोया रहेगा तो मुझे आराम होगा, क्योंकि ये जग जाता है तो कुछ ना कुछ शैतानी करता है और फिर मुझे इसी को देखना पड़ता है तो मेरा काम फिर रुक जाता है। तो मैं सोची ये पूरा काम ख़त्म हो जाए तो फिर इसे उठाऊंगी। तो मैंने नहा के पूजा जो सारा काम कर लिया है, तो बस नाश्ता बनाने रहता था, तो अब मैं उठा दी इसको कि अब चलो इसे ब्रश व्रश करा दूँ। तो ये लास्ट वाला पराठा था तो ये भी बन गया है, तो अब मैं इसे ब्रश कराऊंगी फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे। और सोनी तो स्कूल खा कर चली गई, आज बहुत ही खुश थी सोनी क्योंकि पनीर रोल बनाई थी, मैं कभी नहीं बनाई, फर्स्ट टाइम बनाई, और सोनी को बहुत ही पसंद आया। वो 3 रोल लेकर गई, बोली कि मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊँगी। तो वही अभी मैं बना रही हूँ जो रह गया था, क्योंकि गर्म गर्म ही अच्छा लगता है और सुबह बना देती तो ठंडा हो जाता। तो यहाँ पे हो गया है तो मैंने ड्रेन कर दिया है, पानी निकलते रहेगा तब तक मैं इसको ब्रश करा दूँ, उसके बाद फिर पानी करके और छोड़ दूँगी, फिर से धोते रहेगा तब तक हम लोग खा लेंगे नाश्ता। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ हस्बैंड जी और मेरे और ईशान के लिए, तो ऐसे ही डाल के पनीर रोल हो गए। वैसे मार्केट में देते हैं तो लपेट उपेट के देते हैं सॉस वॉस लगा के, तो घर में तो घर ही के जैसे खाएंगे ना। तो ये देखिए मैंने ऐसे रख दिया है और सॉस ले लिया है, बस इसको बोर के चलो आप लोग भी टेस्ट कर लो और कैसा बना है बताइएगा ज़रूर। इसका वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है, फुल वीडियो पनीर रोल का। तो ये यहाँ पर बैठे हैं खाने के लिए, और ये तो जहाँ रहते हैं मोबाइल ही लेके बैठे रहते हैं, इनको तो और किसी से कोई ये ही नहीं रहता है, बस मोबाइल में घुसे पड़े रहते हैं बात भी नहीं करते हैं। देखिए अब चले गए अपने मोबाइल पे, हम लोग चुपचाप खाएंगे और बस चल देंगे अपने अपने काम पे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ममता सिंह ब्लॉग में। और अभी दोपहर का समय है, 1:15 हो रहा है, तो मैं आज थोड़ा सा लेट से खाना बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा ऐसी बातें हो गई थी कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो एक आंटी आई थी, उनके साथ बैठ के बात करने लगी, फिर नीचे गई तो आज 10 का रिजल्ट था, तो वही सब सबसे पूछने लगी कौन कौन पास हुआ है, कितने डिवीज़न आया है। तो वही सबसे पता चला कि अमन फर्स्ट डिप आए हैं, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन किया फ़ोन करके। अमन तो घर पे नहीं थे, वो फॉर्म लेने गए थे, भूमिका से बात उसी में मेरा टाइम देखिए चला गया, तो भात मैंने बना दिया है और अभी सब्जी छौकी हूँ, गोभी की सब्जी बनाऊंगी और कड़ी चावल बनाऊंगी। चावल तो बन ही रहा है, कड़ी बोलने से चावल आ ही जाता है। तो अभी फ़ोन की थी थोड़ा पहले आकांक्षा, तो वो बोले कि वो भी आएगी, बोले कि पूरा लंच बना दीजिए मेरे लिए, मैं भी आऊँगी। मैंने कहा ठीक है, तो उसके लिए भी लंच बना दिया है। तो अभी सब्जी बना रही हूँ और कपड़ा उपड़ा धो के सुखा दिया है, बहुत सारा काम था आज। और मेरा ईशान आज स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि हस्बैंड जी का तबीयत ठीक नहीं था, तो वो छोड़ने नहीं गए, और इतना सुबह में 8:30 बजे कैसे फट से तैयार होती और जाती, तो इसलिए मैं भी नहीं गई, अभी नेक्स्ट वीक से जाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ, पहले खाना बना दूँ, उसके बाद एक ड्रेस मैं सोनी का सिलाई कर रही हूँ, और इतना डिफिकल्ट ड्रेस है वो, पसंद सी रही हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। कोई भी चीज़ मैं जब फर्स्ट टाइम सीती हूँ तो टाइम लगता है मुझे, तो 2 दिन हो गया अभी सिर्फ ऊपर का ही कंप्लीट हुआ है, तो देखते हैं कितना दिन लगेगा और बनाने में, बस ऊपर का कंप्लीट हो जाए तो फिर आसान हो जाएगा। और यहाँ पर गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और
कुकर में चावल है, खीरी बनी गया है, तो अभी कड़ी सोप। तो ये रहा बस सिर्फ गोभी का सब्जी बनाना, और ये पकौड़े बनाई हूँ कड़ी के लिए। इसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और ये सब डाल के मैंने बना लिया है पकौड़े। अब कड़ी बनाऊँगी और इसमें पकौड़े बने थे इसी में घोल घोलूँगी बेसन का घोल, तो उसी से कड़ी बनाऊँगी। और ये मैं सब्ज़ी में डालने के लिए रखी हूँ सबसे छल के, इसको कट करके डालूँगी, मसाले नहीं पीसूँगी, बस ऐसे कट करके डाल दूँगी सब कट। तो यहाँ पर मैंने कड़ी छोंक दिया है, ये देखिए, तो दो बॉयल आएगी तो हो जाएगी कड़ी। और यहाँ पर सब्ज़ी भी बन गई है, आज थोड़ी सी सब्ज़ी हुई है क्योंकि आलू मैंने नहीं डाला है, आलू है नहीं, इसलिए सिर्फ गोभी का सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मसाले अच्छे से पक गए तो इसमें टमाटर डालूँगी, फिर उसको अच्छे से फ्राई करने के बाद पानी डाल दूँगी, बस हो जाएगा सब्ज़ी। खुला तवा, तो ये रहा रायता, रायता भी बन गया है और कड़ी भी बन गया है, ये देखिए, और सब्ज़ी भी बन गया है। खाएंगे हम लोग अच्छा लंच। तो फ्रेंड्स लंच रेडी है, कड़ी, ये रायता, गोभी की सब्ज़ी, पकोड़े और चावल। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ। और यहाँ पर खाना वाना खा लिए हैं, तो ये इमली का मैंने सुखा के रखा था दिन भर, तो अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। तो हल्दी, तेल, नमक डाल दिया है, अचार मसाला भी डाल दिया है अच्छे से। इसे मिला के रख दूँगी, दो तीन धूप लगाऊँगी, उसके बाद इसको जार में डाल दूँगी। और ये रही आकांक्षा भी आ गई है, तो ये नहा वहा के और खाना वाना खा ली है, क्योंकि ये किसी के मरनी में गई थी तो वहीं से आई, तो बिना नहाए तो मैं घुसते नहीं है घर में, तो नहा वहा के आई है और खाना वाना खा ली है और अब रेस्ट कर रही है। और ये फ्रेंड्स शाम का समय है, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन। चिकन के लिए मैंने मसाले रोस्ट कर लिया है और सरसों का तेल डाल दिया है, और इसमें छौकूंगी जीरा, तेजपत्ता और मिर्च। देखिए फ्रेंड्स ये आई है, क्या लेकर देखिए, ये देखिए ये यास मेरे साथ रुकी थी, मेरे साथ बहुत गुस्से थी, आज हो गई थी क्योंकि मेरा बेटा का रिजल्ट हुआ है, तो ममता आज मुझे टोकने लगी। आज पता है इनका फोन पर फोन आया था, मत बोलिए, इनका बेटा का रिजल्ट आया है, 10th का पास हो गया है। मीठा भी खा के आई है लेकिन डायलॉग दे रही थी मुझे, मैं तो परेशान हो गई थी फोन का, पर दोस्त को ही ये सब मजा आता है ना, चिढ़ाना, चिढ़ाना, गाली देना, गाली देना, खाना टोकना, ना कितना अच्छा लगता है, दोस्ती क्या काम है ना, ये सब तो दोस्ती का मजा आता है, तो सब बोल नहीं सकते, पति लोग नहीं बोल सकते, मेरा कोई भी बात से आप खराब नहीं मानेंगे, आपका कोई बात नहीं, आपके पास से कोई खराब बात नहीं ना, ईशान हां ईशान हां बोल दो, हां ही बोल दो, इधर ये बोल दे बेटा, ये खा ले ले बेटा। तो इनका सेलिब्रिटी फेमस है, बहुत ही टेस्टी बनाती है ये, और लेकर क्या मैं आई है सूप, ममता के साथ लिया था ना मैंने, आम सुखा नहीं, आम काचा भी बन गया है लेकिन अब देने आई हूँ, देखो जैसे भी ला के दे सकती है, साफ सुथरा रहा है, ममता पूजा भी चलाती है, साफ सुथरा जिसमें कुछ मीट मच्छी नहीं है, वो ममता जी से करा दिया। तो फ्रेंड्स माया दीदी आई थी सेल रोटी लेकर, और उनका बेटा भी पास हो गया है, सेकंड डे भी जन आया है, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन मसाला, रेडी कर रही हूँ। तो पहले मैंने जो रोस्ट किया था वो मसाले को ग्राइंड कर लिया एकदम बारीक, उसके बाद अदरक लहसुन भी ग्राइंड करके रख लिया है, और यहाँ पर चिकन फ्राई कर रही हूँ प्याज के साथ, और चिकन का कलर चेंज होने तक फ्राई करती रहती हूँ। उसके बाद हल्दी नमक डाल दिया है, और इसको भी थोड़ा देर फ्राई करने के बाद फिर इसमें मसाले ऐड करूँगी, तो जो ये ग्राइंड किया वाला मसाला डाल दिया है, और ये मीट मसाला, ऊपर से ये चिली पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर, तो वो भी डाल दिया है, और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए चारों तरफ से ऑयल छोड़ दिया है, तो अब इसमें थोड़ी देर के बाद में पानी डाल देना है, बस चिकन रेडी है। तो आज का डिनर है चिकन रोटी, तो चलिए फ्रेंड्स खाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।